अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आशियाना फूड। तो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे मटन सीख कबाब की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हमने सर्व किया था ग्रीन चटनी और लच्छेदार प्याज के साथ। देखिए, बहुत ही लाजवाब शानदार दिख रहा है ये, और खाने में तो इसकी बात ही क्या कहना। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था आधा किलो मटन का कीमा, इसे मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था। लिया था हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून मिर्ची पाउडर, एक टी स्पून धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, और एक प्याज को मैंने कद्दूकस के उसका पानी निचोड़ लिया था, सीख कबाब मसाला और ज़ीरा पाउडर। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, मिर्ची ऐड कर देंगे, कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, ज़ीरा ऐड कर देंगे, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और सीख कबाब मसाला एक चम्मच भर के लिया था मैंने वो ऐड कर देंगे, और एक प्याज जो कद्दूकस करके निचोड़ लिया था उसे शामिल कर देंगे, और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे, हरी धनिया डाल देंगे बारीक कटी हुई। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम मिला देंगे हाथों से। देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें लेना है ये दल घोटनी है, जिसे हम दाल घोटते हैं घर में, इसे लिया था मैंने, और इसके ऊपर हम इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे जैसे सीख पे लगाया जाता है। और साइड में मैंने एक कटोरी में पानी लिया था, हाथ को हम गीला कर लेंगे, इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे धीरे धीरे। देखिए, इसे अच्छे तरीके से मैंने फैला दिया है स्टिक पर। देखिए, तैयार हो चुका है ये। अब धीमी आंच पे हमें इसे सेक लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। उलट पलट कर हमें सेक लेना अच्छे तरीके से। देखिए, तैयार हो चुका है। अभी हम इसे उतार लेंगे स्टिक से, बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। इसी तरीके से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे, इसे भी मैं स्टिक पे लगा दूंगी। थोड़ा हाथों को गीला कर लेंगे, स्टिक को भी हमें गीला कर लेना है, और इसी तरीके से फैला देंगे फिर से अच्छे तरीके से, इसे शेप दे देंगे सीख का। देखिए, इसे भी मैंने फैला दिया अच्छे से। देखिए, ये भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी सेक लेंगे धीमी आंच पे। घुमा घुमा कर इसे हमें सेक लेना है। देखिए, ये भी सिक चुका है, इसे भी उतार लेंगे।
बहुत ही आसानी से उतर जाता है इस स्टिक से। इसी तरीके से हमें सब सीखों को तैयार कर लेना है। ये देखिए सब सीखों को मैंने तैयार कर लिया है इसी तरीके से सीख कर। अब हमें इसे फ्राई करना है। एक चम्मच तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तवा ले लिया है मैंने, ये इसमें तेल ऐड कर दिया है। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब सारी सीखों को इस पर डाल देंगे हम। ऐसे फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे फ्राई कर रही हूँ मैं, उलट पलट के इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर दे देना है हमें इसे। इसे पलट देंगे। अब हम इसमें एक कोयले का दम दे देंगे और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे तेल। ये साइडों में जो तेल बचा हुआ है इसी पे डाल देंगे हम और ढक्कन से ढक देंगे। देखिए इसे मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसे मैंने चटनी और लच्छेदार प्याज के साथ सर्व किया था। अब इसे ऊपर से हम डालेंगे बटर। अमूल बटर मैंने डाला था, देखिए इसमें मैं अमूल बटर ऐड कर रही हूँ ऊपर से। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही नरम और जूसी बना था ये। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।